की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। पार्वती बदई हर हर हम लोग होटल से निकल जाते हैं 10 में घाट जाने के लिए, तो पहले हम लोग गडोलिया चौक जाते हैं। गडोलिया चौक से एक बोर्ड मिलेगा आपको, पर लिखा रहेगा 10 में घाट जाने के लिए। तो गडोलिया चौक से 10 में घाट का जो डिस्टेंस है 500 मीटर का रहता है, तो हम लोग सीधा निकल जाते हैं 10 में घाट के लिए, वो भी पैदल वॉक करके 500 किलोमीटर रहता है। तो हम लोग जैसे घुसते हैं तो आपको दिख रहा है पूरा ये दुकान, आपको यहाँ पर लेडीज़ का हर शॉप मिलेगा, देखिए लेडीज़ का सामान आपको मिलेगा। तो इसी से होकर हम लोग जाएंगे कि अभी ऑलमोस्ट समय हो रहा है 6 बज रहा है, तो एक घंटा हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आपको 10 घाट लेके चलते हैं और वहाँ पर गंगा आरती का एंजॉय करते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये से दो रास्ता गया है लेफ्ट राइट होके, तो हम लोग सीधा चल जाते हैं 10 घाट के लिए। थोड़ा दूर वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं 10 घाट। आज जैसे आप देखेंगे आप, ये जो होटल है, ये होटल हमें आपको यहाँ वेज मिलेगा, नॉन वेज तो नहीं मिलेगा। अब जो 10 घाटी है प्लस गंगा जी किनारे बसा हुआ, तो ये लोकल आदमी लोग आप पूछेगा घाट के लिए, और पैसा गंगा आरती देखने के लिए आप लोगों को नाव में या कहीं भी चौकी भी मिलेगा तो आप लोगों से पैसा मांगा जाएगा। लोकल जितने बंदा है वो सब कमाने का जरिया है। आप नाव में बैठते हैं 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये चार्ज करते हैं। घाट में पानी ज़्यादा होने के कारण तो नीचे नहीं होता गंगा आरती। अब जैसे देख सकते हैं छत पे वो जो लाइटिंग जहाँ चल रहा है ना, उस जगह हो रहा था, उसी जगह आरती होगा गंगा आरती, तो वहाँ से ही आपको दिखेगा। जितना मैं फोकस कर पाऊँगा उतना आपको दिखा पाऊँगा आरती। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरीपुण्डरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरस्थितिः पुण्डरीकाक्षपनादो पुण्डरीकाक्षपनादो पुनादपुण्डरीकाक्षः स्वस्तीति लघकरणम्। ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्वभीराः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानीभिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यौः शान्तिरन्तर्क्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो हृदयः शान्तिः परस्वरयः शान्तिर्विश्वी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेहि जतो यतः समीहसि ततो नो अवयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजी पुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रदण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु स्थानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धि शक्ति सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दक्षिणास्ति न गन्धारतलक्ष्म्याः चिरकालपर्यन्तं संरक्षणार्थम् अद्य दिने सायमकाले माधेश्वरी गङ्गादेवी प्रसन्नार्थं गङ्गापूजनं ब्राह्मणद्वारा अहं कारयिष्ये। ॐ मा जज्जाग्रतो दूरमुदये निदैवन्तलो सुतस्य तथैवैति भ्रूरङ्गमञ्ज्योतिगाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तो सङ्कल्पसिद्धिरस्तो
ओम गणानन्द्वा गणपति गो हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपति गो हवामहे निधिनान्द्वा निधिपति गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमादमजासि गर्भदम्ब अम्बे अम्बिकेम् बालिके नमानयति कश्चन सस्वगः सुभद्रिकाम् पीलवासिनीम् गणेशाम्बिकाभ्याम् नमः ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिम् समर्पयामि अथ मातेश्वरी ध्यानम् ॐ नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम् नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम् गंगा दिव्ये नमो नमः ओम मजन्ने नजन्यमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना इहनाकं महिमानः सजन्तद्रवुर्देशाद्याः शान्ति देवाः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं वद विश्वनाथम् गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मोच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाणं परमेश्वरि मातेश्वरि चरणकमलेभ्यो नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां सप्तास्यासन् परिदयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजद्यन्नन्वाना अवदनन् पुरुहं पशुं ब्रह्मा म्रारी स्त्रिप्रान्तकारी भानो सी भूमिसुतो वदश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां हृदयस्तव यं यं चिन्तयति कामं तप्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् सत्या सन्तु जगमानस्य कामाः चिन्तितमनोरथसिद्धिरस्तु हस्ते जलम् आदाय अनेन कृतार्चनेन पूजनेन मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनप्रियतां न मम ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलिये गङ्गा माता के जय बाबा विश्वनाथ के जय नमः पार्वती वदये हर हर तब तक हम सभी लोग मिल रहे हैं प्रेम भाव से रोजगार करने के साथ जो मेरे नाम मन विपुलवा शिवाय शीतल प्रताप है
तर तर अमर बल भंग तर तर जय जय भगरथ नंद जय चकोर हर नाथ विधि बंदन जय जन नर मैया जी को वांछित फल पाता जय 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 गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर दिल को धाता जो नर मैया जी को धाता मन वांछित फल पाता जय गंगे माता चंद्र की ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो ते शरण पड़े जो ते सोलर कर जाता जय गंगे माता सदर के तारे सब जग को जाता मैया सब जग को जाता कृपा दृष्टि तुम्हारे कृपा दृष्टि तुम्हारे त्रिभुवन सुखदाता जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागतिया मैया शरणागतिया यम पिता करे परम गति पाता जय गंगे माता मंगल कारे मैया तू है सुखदाता मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी गोद में आकर मन शांति पाता जय गंगे गले कि गंगा माँ का जो स्तर है पूरा बढ़ा हुआ है तो इसलिए नहीं जाने दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अब 80 घाट अब देख सकते हैं 80 घाट का भी गंगा आरती वहाँ भी होता है और वहाँ भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो आपको उतना खास दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ से भी रिटर्न हो गए, वहाँ का वीडियो शूट नहीं किए।
और दशाश्वमेध घाट शूट किए हैं। हाँ, गंगा आरती का अस्सी घाट का मैं शूट करूँगा तो आपको ज़रूर दिखा दूँगा। तो हमें दशाश्वमेध घाट का किया शूट, तो देख लीजिए आपको गंगा आरती दिखेगा नहीं इतना, मतलब लाइटिंग के कारण दिख नहीं रहा था। आग से देखे, अपने से देखें, बहुत सुंदर गाइस, बहुत सुंदर आरती। तो यह वीडियो क्या लगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने दशाश्वमेध घाट का जो रास्ते में गया पूरा मार्केट दिखाया आपको, तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पहले आपको आने के लिए। और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और स्क्रीन पर भी कहीं शो होगा। तो क्या करना है आपको, फॉलो कर देना है और अच्छा अच्छा रील्स अच्छा अच्छा फोटोज़ के लिए आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है। तो चलिए आपको लेकर चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। कल हम लोग का लास्ट दिन है, होटल का लास्ट दिन है, इसलिए होटल का टूर नहीं दिखाए थे, सब छोटा सा होटल है और बाहर में बाथरूम है, तो हम लोग पड़ा है 1300 रुपये और 3 बेड का देख सकते हैं, बिखरा हुआ सामान आप लोग जानते हैं बैचुलर का, तो पूरा बिखरा हुआ। तो हम लोग बस यहीं तक है, तो कल हम लोग 12 बजे चेकआउट कर देंगे, फिर चेकआउट करके देखते हैं कहाँ का घूमने का प्लान और बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।